हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रिक टू फाइंड स्टैंडर्ड ई एम एफ़ ऑफ़ सेल यानी कि अगर हमें कोई भी सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया हो तो ई एम एफ़ ऑफ सेल इजीली कैसे कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि, कि किसी भी सेल में एनोड और कैथोड कैसे फाइंड करें तो इसके लिए हम दो ट्रिक सीखने वाले हैं अगर हम किसी भी सेल को ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि उसमें दो पार्ट होते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो आपको एक वर्ड याद रखना है लोन एल ओ एन एल फॉर लेफ्ट हैंड साइड ओ फॉर ऑक्सीडेशन ए फॉर एनोड एंड एन फॉर नेगेटिव मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी मेटल लिखा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो एनोड है और उसका साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है एनोड और जो राइट हैंड साइड में है वो कैथोड है तो ई एम एफ ऑफ सेल के लिए हम फार्मूला यूज कर सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बट इसमें भी दोनों वैल्यूज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होंगे इसमें मैग्नीशियम प्लस टू से जीरो में जा रहा है रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है इसमें भी ए जी प्लस वन से ज़ीरो में जा रहा है इसका मतलब ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इट मीन्स फॉर दिस रिएक्शन ई नॉट सेल क्या होगा तो राइट हैंड साइड में है सिल्वर सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.8 पॉइंट वोल्ट और लेफ्ट हैंड साइड में है मैग्नीशियम और उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में माइनस टू इसे सॉल्व करने पर आएगा 0.8 पॉइंट एट प्लस टू पॉइंट थ्री सेवन इज इक्वल टू थ्री वोल्ट एक और आसान सा ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम ई एम एफ़ ऑफ़ सेल ईजिली फाइंड कर सकते हैं और एनोड और कैथोड को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इसके लिए आपको लिखना है ए बी सी ए फॉर एनोड बी फॉर ब्रिज सॉल्ट ब्रिज एंड सी फॉर कैथोड तो इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन इज एनोड एंड विच इज कैथोड इसके बाद ई e नोट सेल फार्मूले का यूज करके स्टैंडर्ड ई एम एफ़ ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं वहीं अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो जिसमें हमें कोई भी सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया हो केवल रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज दिए गए हों जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है तो उस केस में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड तो इस केस में याद रखिएगा कि जिस रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू स्मॉल होगा वही हमारा एनोड होगा और जिस रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लार्ज होगा वो हमारा कैथोड यानी कि ये होगा एनोड और ये होगा कैथोड अब इसे ई कैथोड माइनस ई एनोड के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हो जाएगा 0.34 पॉइंट वोल्ट माइनस ब्रैकेट में माइनस जीरो वोल्ट तो हो जाएगा 0.34 पॉइंट वोल्ट प्लस ज़ीरो वोल्ट इक्वल्स टू वन पॉइंट वन जीरो वोल्ट इसे एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं यहाँ पर क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है माइनस जीरो पॉइंट सेवन फोर वोल्ट और आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है माइनस जीरो पॉइंट फोर फोर वोल्ट तो इसमें कौन सा एनोड होगा और कौन सा कैथोड तो जिस रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू स्मॉल होगा वही हमारा एनोड होगा और जिस रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लार्ज होगा वो हमारा कैथोड होगा तो यहाँ पर माइनस जीरो पॉइंट सेवन फोर वोल्ट स्मॉल वैल्यू है यानी कि ये होगा एनोड और दूसरा जो है वो होगा कैथोड तो इन दोनों को ई कैथोड माइनस ई एनोड के, के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा 0.30 वोल्ट तो इस तरह से हम ई एम एफ ऑफ सेल को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें